75 साल से आज राजपूत बनाम भुईयार, भुईयार बनाम राजपूत, यही होता चला आया है। लेकिन आज तो कोई दलित का, पिछड़ा का, अकलियत का कोई सुनने का काम नहीं किया है। आज यहाँ बिना देवी सांसद है, वो कहा कि अगर जहाँ तहाँ अपने पूर्वज का गेट बनाने का काम किया, लेकिन कहीं पिछड़ा के लोग, कहीं दलित के लोग जो भाई हमारे कुर्बानी देश के लिए दिए हुए, बाबा साहब हमारे देश के लिए संविधान लिखे है, कहा एको जगह मिलेगा दरवाजा, गेट नहीं मिल पाएगा। ये चलते हमारे पिछड़ा के जब तक नहीं जाएगा लोग, तब तक हमारे पिछड़ा का बात नहीं है, वहाँ आवाज उठा सकते। एक तरफ सांपनाथ है और दूसरा तरफ नाग है, तो हमारे लाठी नाथ आ गए हैं वैशाली लोकसभा को ठीक करने के लिए। जीत जाएंगे, दम जीत जाएंगे, आपको लगता है? हम दम लगता है, कोई लड़ाई है नहीं है। 90% हमारे वैशाली लोकसभा में पिछड़ा दलित अकलियत के लोग है और 10% लोग स्वर्ण लोग है, वह कोई लड़ाई नहीं है। एक एक वोट हम लोग देने का काम करेंगे स्वामी बाबू को। चट गुंडे की छाती पर बटन दबेगा हाथ। हाँ, तो एगो बाहुबली है, एगो गुंडा है, छाती पर चढ़ के 90% लोग जब वोट दबाएगा छाती पर 90% है साथ में आप लोग इसे कहने के लिए। 90% से एभव मान के चलिए, साथ में यहाँ जलजला आ गया है, आंधी बह रही है, हमारे समूह सिंह के साथ आंधी बह रही है। एगो आदमी गांव में जाएगा और 50 को वोट दिलवाएगा तो हम 3.5 लाख से ऊपर जाएंगे। सिर्फ हम लोग का पिटाई हो रहा है जहाँ तहाँ, कहीं पानी के लिए, कहीं कल छूने के लिए, तो हम लोग को पिटा जा रहा है। मुन्ना शुक्ला तो आ गए ना महागठबंधन से, उनको दीजिए वोट। तो क्या शुक्ला क्या है, क्या गारंटी आज आरजेडी से जीतेगा कल होकर जाके बीजेपी में घुस कर सरकार बनाएगा? दलितों के घर के आसपास जाने के लिए और रास्ते के लिए चलने के लिए मना करते हैं, गाली देते हैं। शुक्ला जी कहाँ से, शुक्ला जी वो अपने देखेंगे कि हमारे को देखेंगे? जब वो कहते हैं शुक्ला जी जिनको आप पैरवी कर रहे हैं, उस शुक्ला जी कह रहे हैं कि हम भूमिहार है, चमार थोड़े हैं, भूमिहार है हम, चमार थोड़े हैं। तो चमार के लिए काम करेंगे, जब संविधान की बात होगी, आरक्षण की बात होगी, तो मुन्ना शुक्ला किसके साथ खड़ा होंगे? किसी अकलियत के साथ खड़ा होंगे? आके जाके संसद में बीजेपी में बैठ जाएंगे? आजार यदि में है कल बीजेपी में जाएंगे? कृष्णैया हत्याकांड में उनका नाम था, आनंद मोहन का नाम था। यही सरकार है जो साजिश के तहत आनंद मोहन को बाहर निकाल दिया, इनको भी बेल दे दिया। 4 तारीख को पता चल जाएगा ये दोनों नाग नागिन को। नाग नागिन कौन है? नाग नागिन ये नाग है मुन्ना शुक्ला है, नागिन है बीना देवी। शंभू सिंह हाथी पर सवार होकर के आए हैं, बीन बजाएंगे दोनों को निकाल के बाहर। काट लिया हाथी को था? अरे बीन के सामने सब बेहोश हो जाएगा। हाँ, बीन भी बजेगा, दोनों नाग नागिन नाचेंगे बहुजन के इशारे पे। ये चूंकि गुंडा मवाली रहा है शुरू से, जी कृष्णैया जी का हत्या किया था खबड़ा में 1994 में, हम लोग उस समय स्टूडेंट थे, हम लोग देखे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकिशोर राम है, आपको जय भीम और सभी साथी को जय भीम। तो आज शंभू कुमार सिंह जी नामांकन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कारण है कि 75 साल के बाद आज बैकवार्ड कैलाश कर हमारे बेटा नॉमिनेशन देने जा रहे हैं शंभू कुमार सिंह शंभू पटेल। आज हम जितना हमारे बहुजन के लोग हैं, जितना पिछड़ा दलित अकलियत के लोग हैं, सब शंभू बाबू के साथ हम लोग हैं। आज हम नॉमिनेशन में आए हैं और आज के ही दिन पता चला गया कि अगला पिछड़ा के ही बेटा हमारे संसद में जाने के काम करेंगे। और 75 साल से जो हमारे गुलामी की जंजीर में वैशाली लोकसभा जकड़ा हुआ था, आज हमारे बंधन तोड़ने के काम करेंगे और शंभू बाबू संसद में जाने के काम करेंगे और पिछड़ा का और दलित का अकलियत का आवाज़ उठाने के काम करेंगे। क्या जो पहले से सांसद हैं और फिलहाल जिनको महागठबंधन से टिकट मिला है, आरजेडी के प्रत्याशी है, वो आप लोगों का काम नहीं करेंगे जो इनको चुनने जा रहे हैं? वो कभी नहीं करेंगे। आप आज के डेट में 75 साल से आज राजपूत बनाम भुईयार, भुईयार बनाम राजपूत, यही होता चला आया है। लेकिन आज तो कोई दलित का, पिछड़ा का, अकलियत का कोई सुनने का काम नहीं किया है। आज यहाँ बिना देवी सांसद है, वो कहा कि अगर जहाँ तहाँ अपने पूर्वज का गेट बनाने का काम किया, लेकिन कहीं पिछड़ा के लोग, कहीं दलित के लोग जो भाई हमारे कुर्बानी देश के लिए दिए हुए, बाबा साहब हमारे देश के लिए संविधान लिखे हैं, कहा एको जगह मिलेगा दरवाजा, गेट नहीं मिल पाएगा। ये चलते हमारे पिछड़ा के जब तक नहीं जाएगा लोग, तब तक हमारे पिछड़ा का बात नहीं है, वहाँ आवाज़ उठा सकता। तो ये एक है बाहुबल, एक है धन बल, तो इसमें टिक पाएंगे आपके शंभू सिंह? अच्छा, एक बल है बाहुबल है, एक बार धन बल है, तो एक तरफ सांपनाथ है और दूसरा तरफ नागनाथ है, तो हमारे लाठी नाथ आ गए हैं वैशाली लोकसभा को ठीक करने के लिए। जीत जाएंगे, दम जीत जाएंगे, आपको लगता है? हम दम लगता है, कोई लड़ाई है नहीं है। 90% हमारे वैशाली लोकसभा में पिछड़ा दलित अकलियत के लोग है और 10% लोग स्वर्ण लोग है, वह कोई लड़ाई नहीं है। एक एक वोट हम लोग देने का काम करेंगे स्वामी बाबू को। कुछ लोग करे कि वोट काट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वोट तो काट रहा है वो दोनों आदमी, राजपूत भुईयार आपस में काट रहे हैं। 90% हम लोग हैं, हम वोट काटना है, हमारे वोट से आप लोग राज करते हैं, आज करें वोट काटना है, वोट काटना वो लोग राज बन जाएंगे और बस साली से साबित हो जाएगा कि वोट काटना क्या नाम आपका? मेरा नाम है रविंदर राम, बटन तो हाथी पर ही दबेगा इस बार। जी, शंभू कुमार सिंह को
वैशाली विधानसभा क्षेत्र से विजय बनाकर संसद में पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इनको क्यों चुन रहे हैं आप लोग? क्योंकि अपने समाज का लोग जब तक संसद में नहीं जाएगा तब तक बहुजन समाज का कल्याण नहीं होगा। तो जो मौजूदा सांसद वो काम नहीं कर रही है क्या? जी नहीं, उसको सिर्फ अपने समाज के लिए ही काम कर रहे हैं। वो लोग मनुवादी लोग हैं, मनुवादी विचारधारा का लोग जा रहे हैं संसद में और अपना मनुवादी लोग का ही, मनुवादी विचारधारा का ही काम कर रहे हैं। और दलितों पे शोषण अत्याचार, पिछड़ों पे शोषण अत्याचार यही हो रहा है। काम कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है हम लोगों का काम, सिर्फ हम लोग का पिटाई हो रहा है जहाँ तहाँ, कहीं पानी के लिए, कहीं कल छूने के लिए तो हम लोग को पीटा जा रहा है। तो मुन्ना शुक्ला तो आ गए ना महागठबंधन से, उनको दीजिए वोट। तो क्या शुक्ला क्या है, क्या गारंटी आज आरजेडी से जीतेगा कल होके जाके बीजेपी में घुस के सरकार बनाएगा? दलितों के घर के रास्ता नहीं है, दलितों के घर के आसपास जाने के लिए और रास्ते के लिए चलने के लिए मना करते हैं, गाली देते हैं। शुक्ला जी कहाँ से, शुक्ला जी अपने देखेंगे कि हमारे को देखेंगे? शुक्ला जी कहते हैं कि हम भूमिहार हैं, चमार थोड़े हैं, तो हमारा काम कैसे करेंगे चमार का? जब वो कहते हैं, जब वो कहते हैं शुक्ला जी जिनको आप पैरवी कर रहे हैं, पहले तो आपके चैनल को पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। अच्छा। कि हम अकलियतों का आवाज आप लोग उठाते हैं। और रहा बात जिनके बारे में आप कह रहे हैं शुक्ला जी को, उस शुक्ला जी कह रहे हैं कि हम भूमिहार हैं, चमार थोड़े हैं, तो चमार के लिए काम करेंगे। जब संविधान की बात होगी, आरक्षण की बात होगी, तो मुन्ना शुक्ला किसके साथ खड़ा होंगे? किसी अकलियत के साथ खड़ा होंगे? आके जाके संसद में बीजेपी में बैठ जाएंगे? आज आरजेडी में है, कल बीजेपी में जाएंगे। कृष्णैया हत्याकांड में उनका नाम था, आनंद मोहन का नाम था। यही सरकार है जो साजिश के तहत आनंद मोहन को बाहर निकाल दिया, इनको भी बेल दे दिया, तो हमारे हो नहीं सकते हैं। आप कैसे कह दिए आखिर मुन्ना शुक्ला से? लोग तो कह रहे हैं कि आपके जो प्रत्याशी है शंभू सिंह जी, वो वोट काटने आ गए हैं, ये भाजपा को जिता देंगे। अच्छा, ये हंसी वाली बात है। हमारी संख्या 90%, अच्छा, और जिसके बारे में आप कह रहे हैं उसकी संख्या 10%, तो वोट कौन काट रहा है? 10% वाला वोट काटता है कि 90% वाला काटता है? हम शंभू सिंह जो कहे हैं आके वोट छाती पर चढ़ के वोट गिराएंगे, नहीं क्या बोले हैं आप? चट गुंडे की छाती पर बटन दबेगा हाथ। हाँ, तो एगो बाहुबली है, एगो गुंडा है, तो वो छाती पर चढ़ के 90% लोग जब वोट दबाएगा, तो वोट दबाएगा तो छाती पर 90% है साथ में आप लोग, इसे कहने के लिए 90% से ये भव मान के चलिए, साथ में यहाँ जलजला आ गया है, आंधी बह रही है। हमारा चुनाव में हमारे शंभू सिंह के साथ आंधी बह रही है। अच्छा, इतने लोग हैं, आप देखिए, आप अपना कैमरा घुमा के देखिए, जितना भीड़ है शंभू सिंह के साथ। अगर एक आदमी, एगो आदमी गांव में जाएगा और 50 को वोट दिलवाएगा, तो हम 3.5 लाख से ऊपर जाएंगे। 500 रुपए दे देकर तो गाड़ी मंगवा करके यहाँ रैली लगवाए थे पूरा, यहाँ सब फ्री में अपने पैसे लगा के आए हुए हैं शंभू सिंह के, इतने लोगों का है। विकास का क्या मुद्दा है? अगर आप पिछड़ा कीजिएगा, विकास का मुद्दा क्या? विकास का मेरा मुद्दा है कि स्कूल, मेरा स्कूल में जो है, स्कूल के लिए हमारा है, दवाई के लिए है, हॉस्पिटल के लिए है, पढ़ाई के लिए है, कॉलेज के लिए है, इसके लिए हम लोग विकास करने काम करेंगे। जी हम काम करेंगे। वो बहुजन के लिए 10 साल से वो काम कर रहे हैं, वो कोई नया प्रत्याशी नहीं है, वो बहुजन का आवाज है, ये चलते हम लोग चुनने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ संत लाल राम, बहुजन समाज पार्टी से हूँ। तो लगता है वैशाली लोकसभा क्षेत्र से बीएसपी के प्रत्याशी निकल जाएंगे इस बार? ये तो साफ क्लियर है, आप देख रहे होंगे। हाँ। और 4 तारीख को पता चल जाएगा ये दोनों नाग नागिन को। नाग नागिन कौन है? नाग नागिन? ये नाग है कौन है? मुन्ना शुक्ला है। हाँ। नागिन है बीना देवी। हाँ। शंभू सिंह हाथी पर सवार होकर के आए हैं, बीन बजाएंगे, दोनों को निकाल के बाहर काट लिया हाथी को। अरे बीन के सामने सब बेहोश हो जाएगा, हाथी बीन भी बजाइएगा। हाँ, बीन भी बजेगा, दोनों नाग नागिन नाचेंगे। अच्छा। बहुजन के इशारे पे बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, ये चूंकि गुंडा मवाली रहा है शुरू से। हाँ। जी कृष्णैया जी का हत्या किया था खबड़ा में 1994 में, हम लोग उस समय स्टूडेंट थे, हम लोग देखे हुए हैं आनंद मोहन और ये दोनों मिलकर के। आ ये तथा कथित जो अपने आप को समाजवादी धारा के लोग, सामाजिक न्याय के लोग कहते हैं, चाहे वो लालू प्रसाद जी की पार्टी हो या नीतीश कुमार जी, ये दोनों मिल करके साठ गांठ कर करके दोनों को बाहर निकलवाए और दोनों निकलवा करके दोनों सौदा किया है, इस समाज के मुंह पर चमाटा मारा है, इस दोनों को टिकट दे करके। एक
चेतन आनंद को टिकट दिए, समय आने पर राजद को लात मार करके गया ना भाजपा में, वो अपने नस्ल के तरफ चला गया। उसी तरह से मुंडा शुक्ला होगा, ये लात मारेगा फिर अपने नस्ल के तरफ जाएगा। इसलिए बहुजन इस बार सतर्क हो गया है कि उसको लात मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि उसको बिल में जाकर के हम लोग ढक करके बंद कर देंगे। बहुजन समाज के लोग जाएंगे संसद में, बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। आप लोग बी टीम है भाजपा का, अब तो पता चलिए जाएगा ना कि कौन बी टीम है। एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं ना कि इंडिया गठबंधन को दीजिए या तो एनडीए को दीजिए, इसका मतलब बी टीम राष्ट्रीय जनता दल के नेता है और वो इंडिया एनडीए गठबंधन के लिए पीठ पीछे से काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वैशाली में शंभू जी के साथ खाली दलित है, बाकी नहीं है। अरे देख लीजिए ना, आप सर्वे कर लीजिए ना, सभी जाति के लोग हैं, 90% लोग है, खाली चमार से थोड़े ही है शंभू सिंह जीतेंगे। कुर्मी, पटेल, यादव, कहार, ततमा, नुनिया, चमार, दुसाद, धोबी, पासी, डोम, मुसहर सब है।